ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज योर ईमेल आईडी पासवर्ड। वेलकम टू मोबाइल मैनेजर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल मैनेजर पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों ईमेल आईडी का पासवर्ड बदलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, जो हमारी ईमेल आईडी है उसका पुराना पासवर्ड, जो अभी अभी पासवर्ड जो है दोस्तों, वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके हम पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप पुराना पासवर्ड याद रखें, या आपने कहीं लिख रखा है तो दोस्तों उसको अपने पास ज़रूर रख लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम ईमेल आईडी चुनने के लिए हम कोई भी गूगल अकाउंट चुन सकते हैं इनमें से। तो दोस्तों वहाँ से हम गूगल अकाउंट पर एक्सेस कर सकते हैं, इनमें से कोई भी अकाउंट हम चुन सकते हैं। जैसे हम जीमेल चुन लेते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर लोगो हर जगह आता है, जितने भी दोस्तों गूगल के ऐप हैं या उनमें यहाँ पर इस तरह का लोगो आता है। तो दोस्तों हमने ओपन हो गया है हमारा ईमेल, ओपन हो गया दोस्तों। अब हमको ईमेल आईडी ओपन करनी है। अगर दोस्तों आपने लॉगिन नहीं किया मोबाइल में, तो अपने मोबाइल में उस आईडी को लॉगिन कर लें जिसका आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों हम इस ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ईमेल आईडीज ओपन हो गई हैं जो मेरे मोबाइल में लॉगिन हैं। अभी मैंने इनको हाइड कर रखा है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनल यूज़ की ईमेल आईडीज हैं, तो दोस्तों इस वजह से मैंने इनको हाइड किया हुआ है। आपकी जो भी हो इनमें से दोस्तों उसको चुन लेंगे जिसका आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इस ईमेल आईडी का मोबाइल मैनेजर का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, तो चलिए दोस्तों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हमने क्लिक किया, दोस्तों नया पेज ओपन हो गया है। दोस्तों अब हमको इस ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना है। तो दोस्तों अब कैसे करेंगे, मेन काम दोस्तों यहीं से शुरू होता है। दोस्तों अब हमको जाना होगा पर्सनल इन्फो पर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सॉरी नीचे आएंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ एक नया पेज ओपन हो गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो भी ईमेल आईडी है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर लिख के आ जाएगी, इसका पासवर्ड आप बदलना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत में बताया था कि हमें अपने आईडी का, ईमेल आईडी का पुराना पासवर्ड पता होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हम इसको नहीं बदल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो पुराना पासवर्ड है दोस्तों वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ नए पासवर्ड के लिए ऑप्शंस आ गए हैं दोस्तों। अब हमको यहाँ पर नया पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डोंट रीयूज इट फॉर अनदर अकाउंट। यानी कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें और उस पासवर्ड को कहीं और यूज़ न करें। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर नया पासवर्ड बनाना है। आपको जो भी पासवर्ड अच्छा लगे, जो भी पासवर्ड स्ट्रांग लगे, जिसको आप याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, तो दोस्तों यहाँ पर नया पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसको लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों दोबारा से हमको यही पासवर्ड लिखना होता है। चलिए मैं लिख के बताता हूँ। जैसे मैं इसका नया पासवर्ड रखना चाहता हूँ, अभी रखूँगा नहीं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन है हमारे पास, आई बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये देखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म न्यू पासवर्ड, यानी कि इसी पासवर्ड को हमको यहाँ पर डालना होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम सीन कर देते हैं, दिखने लगे। तो दोस्तों अभी ये बता रहा है प्लीज़ चूज अ लॉन्गर पासवर्ड, थोड़ा सा बड़ा पासवर्ड हमको चुनना होगा। तो इसमें हम और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह, अपर केस, लोअर केस, लेटर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे किया ABC। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये देखिए, अब पासवर्ड स्ट्रेंथ गुड आने लगी, यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह। और यहाँ पर इसी पासवर्ड जो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला है दोस्तों, वही पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे इस तरह। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों, और हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों, आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस पासवर्ड को आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसी से आप उसको अब लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।